Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at TAC TV. चीन में फंसे कैनेडियन शहरियों को लेकर दूसरा तैयारा कनाडा पहुंच गया। वापस आने वाले शहरियों को 14 रोज तक ऑन्टारियो में मिलिट्री बेस में रखा जाएगा, लेकिन उन्हें पहले आने वालों से अलग इमारत में रखा जाएगा। कनाडा भर में जारी मुजाहरों के सबब ज़राए आमदोरफ मौतल। टोरंटो से मॉन्ट्रियल और ओटावा जाने वाली तमाम ट्रेनें मनसूख कर दी गईं। ऑन्टारियो में टीचर्स यूनियन का एहतजाज। सूबाई वजारत तालीम की जानिब से वालदैन को 7.1 मिलियन डॉलर अदा किए गए। क्वेबेक हुकूमत का माहौलियाती आलूदगी को कम करने का मंसूबा। रिसाइकिलिंग के शोबे को मजीद तरक्की दी जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलात में इजाफा। न्यू हैम्पशायर के प्राइमरी इंतखाबात बर्नी सैंडर्स ने जीत लिए। उन्होंने अपनी फतह को ट्रंप के जवाल का आगाज करार दे दिया। अमन से मुतालिक हमारी उसूली पोजीशन के मुफीद नताइज सामने आना शुरू हो गए हैं। अफगान सदर की अमरीकी वजीर खारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू में अहम उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने कहा है कि मजीद किसी तुर्क फौजी को निशाना बनाया गया तो तुर्की शाम की सरकारी फोर्सेस पर कहीं भी फजाई या जमीनी हमले करेगा। इदलिब में फरवरी के आखिर तक शामी फोर्सेस तुर्क पोस्टों से दूर हो जाएं। आलमी इदारा सेहत के सरबरा ने कहा है कि कोरोना वायरस चीन के बाद पूरी दुनिया में बहुत तेजी से फैल रहा है, जो एक संगीन खतरा बनता जा रहा है। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। Pandit Vijayaram, a famous astrologer and psychic healer, palm reading, face reading, horoscope. Pandit Vijayaram ka kehna hai, inke paas aapki tamam samasyaon ka hal hai. Kale jadoo ka tod, aapka mehboob aapke kadmon mein, aapki marriage, job, karobar, bimari aur court kachehri samet tamam samasyaon ka hal. Tamam dharmon ke behan bhaiyon ki mushkilat dur kar sakte hain. All religions welcome. पंडित विजयराम से राबता कीजिए 6473912133 6473912133 एड्रेस 5330 यंग स्ट्रीट नॉर्थ यॉर्क टोरंटो। बात करेंगे एक और तैयारा चीन के सूबे होबई जो कि कोरोना वायरस के सबब बंद है। वहां से 185 कैनेडियन को लेकर जनूबी ऑन्टारियो में वाकई कनाडा के सबसे बड़े मिलिट्री बेस में पहुंच गया है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। चीन में फंसे कैनेडियन शहरियों को लेकर दूसरा तैयारा कनाडा पहुंच गया है। तैयारा चीन के सूबे होबई जो कि कोरोना वायरस के सबब बंद है वहां से 185 कैनेडियन को लेकर जुनूबी ऑन्टारियो में वाकई कनाडा के सबसे बड़े मिलिट्री बेस में पहुंचा। इस फ्लाइट के जरिए कनाडा वापस आने के लिए 230 कैनेडियन ने दरख्वास्तें दी थी। ताहम चार्टर्ड तैयारे में सिर्फ 200 अफराद के बैठने की गुंजाइश है, जिसमें जहाज कामला भी शामिल है। कम गुंजाइश के सबब चंद अफराद कनाडा वापस नहीं आ सके हैं। कनाडा के वजीर सेहत पेटी हाइडू का कहना है कि उन्हें इस बात का इल्म नहीं है क्यों चंद अफराद जहाज में सवार होने से रह गए थे। ताहम ये भी मुमकिन है कि बीमार होने के सबब वो जहाज में सवार ना हो सके हों या उन्होंने अपना जहन तब्दील कर लिया हो। उन्होंने कहा है कि वो इस सारी सूरत हाल की निगरानी कर रही हैं। उन्होंने कहा कि वो कैनेडियन जो वापस आना चाहते हैं उनके लिए इकदाम कर रहे हैं। वापस आने वाले शहरियों को 14 रोज तक ऑन्टारियो में मिलिट्री बेस में रखा जाएगा, लेकिन उन्हें पहले आने वालों से अलग इमारत में रखा जाएगा। ऑन्टारियो से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, ऑन्टारियो में बेलविल के करीब जारी मुजाहरे के सबब 34 के करीब ट्रेनें मनसूख की गई हैं, जबकि मुसाफिर ट्रेनों के साथ साथ माल बरदार ट्रेनें भी रोक दी गई हैं। मजीद अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में।
टोरंटो से मॉन्ट्रियल और ओटावा के लिए तमाम ट्रेनें मनसूख कर दी गई हैं, जिसकी वजह से ओंटेरियो के मशरक में वाकई बेलवेल की बंदिश है। कनाडा भर में जारी मुजाहरों के सबब ज़राए आमदोरफ्त शदीद मुतासिर हुई है। जारी की गई ट्रैवल एडवाइजरी में बताया गया है कि टोरंटो से मॉन्ट्रियल और ओटावा जाने वाले तमाम रूट्स पर चलने वाली ट्रेनें मनसूख कर दी गई हैं। कंपनी की जानिब से कहा गया है कि मुसाफिरों को रकम वापस अदा की जाएगी, तहम इस अमल में कम अज़ कम 10 दिन लगेंगे। कैनेडा भर में कई रोज से वेट सोइड एन की हिमायत में जारी मुजाहरों के सबब मुल्क भर में मुख्तलिफ मकामात पर ज़राए आमदोरफ्त मौतल है। वेट सोइड एन के हामी शुमाली ब्रिटिश कोलंबिया में 670 किलोमीटर के गैस पाइपलाइन मनसूबे की मुखालफत कर रहे हैं। ओंटेरियो में बेलवेल के करीब जारी मुजाहरे के सबब 34 के करीब ट्रेनें मनसूख की गई हैं, जबकि मुसाफिर ट्रेनों के साथ साथ मालबरदार ट्रेनें भी रोक दी गई हैं। कैनेडियन नेशनल रेल की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि जब तक बंदिशें खत्म नहीं हो जाती तब तक मुतासर मकामात पर ट्रेन सर्विस मौतल रहेगी। वाज़ेह रहे कि पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ शहरों में कई मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया जा चुका है, तहम उन पर किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं लगाए गए। ओंटेरियो से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, ओंटेरियो भर में टीचर्स यूनियन की जानिब से गुज़िश्ता कई माह से तनख्वाहों में इजाफे के हक में एहतजाज किया जा रहा है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। ओंटेरियो की सूबाई हुकूमत का कहना है कि असातिज़ा की हड़तालों के दौरान बच्चों की देखभाल के अखराजात बर्दाश्त करने वाले वालदैन को अब तक मजमूई तौर पर $7.1 मिलियन अदा किए जा चुके हैं। वजारत तालीम की जानिब से जारी किए गए अदादोशुमार के मुताबिक सूबे की 4 टीचर्स यूनियन की जानिब से की गई एक रोज़ा हड़ताल के दौरान तकरीबन 56,000 के करीब वालदैन ने मदद की दरख्वास्त की थी। जनवरी में वजीर तालीम की जानिब से ऐलान किया गया था कि स्कूलों या स्कूलों में मौजूद बच्चों की देखभाल के मराकज की बंदिश की सूरत में $60 तक की रकम अदा की जाएगी। वाज़ह रहे कि ओंटेरियो भर में टीचर्स यूनियन की जानिब से गुज़िश्ता कई माह से तनख्वाहों में इजाफे के हक में एहतजाज किया जा रहा है। यूनियंस का मुतालबा है कि महंगाई में इजाफे के तनासुब से उनकी तनख्वाहों में 2% का इजाफा किया जाए। कोयबैक से खबर शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं, कोयबैक की वजीर माहौलियात का कहना है कि कंपनीज को अहदाफ दिए गए हैं ताकि वो ऐसी अशिया बनाएं जिनकी रिसाइकिलिंग की जा सके। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कोयबैक की हुकूमत माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए एक मंसूबे पर काम कर रही है ताकि सनअतकारों को इस बात का पाबंद बनाया जा सके कि रिसाइकिल अशिया को महफूज तरीके से इस्तेमाल किया जाए ताकि उनके रिसाइकिलिंग के अमल को जारी रखा जा सके। सूबाई वजीर माहौलियात का कहना है कि कंपनीज को अहदाफ दिए गए हैं ताकि वो ऐसी अशिया बनाएं जिनकी रिसाइकिलिंग की जा सके ताकि दस्तयाब मवाद का कम से कम इस्तेमाल यकीनी बनाया जा सके। उनका कहना था कि हमें आलूदगी से खतरा है जबकि मसनूआत फरोख करने में भी दुश्वारी का सामना है। उन्होंने कहा कि आलमी मार्केटों में रिसाइकलिंग मवाद को बढ़ाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी तरजीह है कि कागज़ शीशे धात और प्लास्टिक का इस्तेमाल करने के लिए मुकामी कंपनियों की तलाश की जाएगी। वजीर माहौलियात ने बताया कि हुकूमत रिसाइकलिंग के शोबे को बेहतर करके आइंदा 3 सालों में $30 मिलियन कमा सकती है। मनसूबे का आगाज साल 2022 में किया जाएगा जो कि 2025 में मुकम्मल होगा। इन्वायरमेंट मिनिस्टर का कहना था कि हमारी तरजीह है कि माहौलियाती आलूदगी को कम किया जा सके जिसके लिए हम कोशिशें कर रहे हैं। कुछ बात करेंगे बाएं बाजू के डेमोक्रेट सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने न्यू हैम्पशायर का प्राइमरी इंतखाब जीत लिया। सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने 26% वोट हासिल करके मुकाबला जीता। उनके करीब तरीन रहने वाले पैट बोटेज जज ने 24% वोट हासिल किए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सेनेटर बर्नी सैंडर्स डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार बनने की दौड़ में आगे आगे हैं। न्यू हैम्पशायर के प्राइमरी इंतखाबात बर्नी सैंडर्स ने जीत लिए हैं। उनका कहना था कि यह फतह ट्रंप के इक्तदार के खात्मे का आगाज़ है। अमरीकी सदर ने कहा है कि वो बर्नी के बजाय माइक ब्लूमबर्ग से सदारती इंतखाब लड़ना पसंद करेंगे। बाएँ बाजू के डेमोक्रेट सैनेटर बर्नी सैंडर्स ने न्यू हैम्पशायर का प्राइमरी इंतखाब जीत लिया। सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने 26% वोट हासिल करके मुकाबला जीता। उनके करीब तरीन रहने वाले पैट बोटेजेज ने 24% वोट हासिल किए। तीसरे नंबर पर आने वाली एमी क्लोबोचर ने 19% वोट हासिल किए। साबिक सदर जो बाइडन को सिर्फ 8% वोट पड़े। सेनेटर बर्नी ने जीत के बाद अपने हामियों से खिताब करते हुए कहा कि फतह ट्रंप के खात्मे का आगाज है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो बर्नी सैंडर के बजाय माइक ब्लूमबर्ग से सदारती इंतखाब लड़ना पसंद करेंगे। उनका मजीद कहना था कि आप पसंद करें या ना करें, बर्नी के हिमायती मौजूद हैं। अफगान सदर ने अमरीकी वजीर खारजा को तालिबान की जानिब से तशद्दुद में कमी की तजवीज़ से मुतालिक आगाह किया है, जबकि अशरफ गनी का कहना है कि हमारा बुनियादी मकसद खून रेजी को ख़त्म करना है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में।
अमरीकी वजीर खारजा माइक पॉम्पियो ने अफगान सदर अशरफ गनी और CEO अब्दुल्ला अब्दुल्ला से टेलीफोनिक राबता करके तालिबान के साथ अमन मुजाकरात में पेशरफ से आगाह किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगान सदर ने अमरीकी वजीर खारजा से टेलीफोनिक राबते में तालिबान की जानिब से तशद्दुद में कमी की तजवीज़ से मुतालिक आगाह किया। इस मौके पर अफगान सदर अशरफ गनी का कहना था कि अमन से मुतालिक हमारी उसूली पोजीशन के मुफीद नतायज सामने आना शुरू हो गए हैं। अशरफ गनी ने कहा कि हमारा बुनियादी मकसद खून रेजी को ख़त्म करना है। शामी और रूसी फोर्सेज ने इदलिब में बमबारी की। शहर पर फजाई हमलों में 13 अफराद हलाक जबकि बच्चों समेत मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। तुर्क सदर ने मुतनब्बे किया है कि अगर तुर्क फौजियों को नुकसान पहुंचा तो कार्रवाई की जाएगी। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। शाम के शहर इदलिब में शामी और रूसी फोर्सेस की बमबारी के नतीजे में 13 अफराद हलाक हो गए। तुर्क सदर ने मुतनब्बे किया है कि अगर तुर्क फौजियों को नुकसान पहुंचा तो कार्रवाई की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शामी और रूसी फोर्सेस ने इदलिब में बमबारी की। शहर पर फजाई हमलों में 13 अफराद हलाक जबकि बच्चों समेत मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। बमबारी से मुतादिद इमारतें भी तबाह हो गई और गाड़ियों में आग लग गई। ख्याल रहे कि 2018 में तुर्की और शाम में जंगबंदी के बावजूद अब तक 1800 शहरी फजाई और जमीनी हमलों में हलाक हो चुके हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक बमबारी और के बाद गुज़िश्ता साल 15 लाख शामी शहरी तुर्की के सरहदी इलाकों में नकल मकानी पर मजबूर हुए। इधर तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने इंतबाह जारी करते हुए कहा है कि अगर तुर्क फौजियों को नुकसान पहुंचा तो इदलिब ही नहीं दीगर जगह भी कार्रवाई होगी। तुर्की की जानिब से बगैर किसी झिझक के जमीनी और फजाई कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना था कि शाम की आवाम आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज इदलिब में शामी आर्मी के हमले में 5 तुर्क फौजी हलाक हो गए थे जिसके जवाब में तुर्क फौज ने शामी फौज के अहदाफ को निशाना बना हुए उन्हें तबाह कर दिया था। सरबरा WHO ने कहा है कि एक अंदाजे के मुताबिक इस वायरस की वैक्सीन की तैयारी में 18 माह लग सकते हैं, लिहाजा हमें मौजूदा सूरत हाल में तमाम दस्तयाब वसाइल के जरिए इसका हल निकालना होगा। मजीद अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। आलमी इदारा सेहत के सरबरा का कहना है कि कोरोना वायरस के नताइज किसी भी दहशतगर्दी के वाक़े से ज़्यादा हो सकते हैं। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने और उससे निमटने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का इजलास जिनेवा में हुआ। इस मौके पर आलमी इदारा सेहत के सरबरा ने कोरोना वायरस को किसी भी दहशतगर्दी कार्रवाई से ज़्यादा खतरनाक करार दे दिया। सरबरा WHO ने कहा कि एक अंदाजे के मुताबिक इस वायरस की वैक्सीन की तैयारी में 18 माह लग सकते हैं, लिहाजा हमें मौजूदा सूरत हाल में तमाम दस्तयाब वसाइल के जरिए इसका हल निकालना होगा। WHO के सरबरा ने कहा कि जो लोग कभी चीन नहीं गए उन लोगों में इस वायरस की तशखीस में इजाफा नादीदा खतरे की पहली झलक है, लिहाजा हमें इस खतरे से तेजी से निमटना होगा। ख्याल रहे कि कोरोना वायरस से हलाक होने वालों की तादाद 1100 तक पहुंच गई है जबकि मुतासर अफराद की तादाद 44,000 से तजावुज कर गई है। G77 और अक्वामे मुत्तहदा ने वायरस के खिलाफ चीन की जंग की भरपूर हिमायत का ऐलान किया है। इसी के साथ ही टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक टीवी। डेली कनेडियन न्यूज बुलेटिन इन हिंदी एंड उर्दू ओनली एट टैक टीवी।